देश का किसान आज एक ऐसी व्यवहारिक खेती की विधि की तलाश में है जिससे उसकी कृषि की लागत घटे और उत्पादन में आय बढ़ोतरी हो। प्राकृतिक खेती लागत कम करने के साथ फसल उत्पादन में बढ़ाने में सक्षम है। इसे अपनाकर किसान अपनी आमदनी दुगनी कर सकते हैं। डूंगरपुर के बिछड़ा गांव के रहने वाले दो भाई नानू राम और लालू राम ननुमा प्राकृतिक खेती को अपनाकर न सिर्फ अपनी खेती की लागत को कम किया बल्कि खेती में खपतवारों को कम करने का भी तरीके का भी इजाद किया है। नारूराम ननुमा और लालूराम ननुमा बताते हैं कि शुरुआत में धान व गेहूं जैसी पारंपरिक फसलों की खेती भी की। इसे उपज को अच्छी हुई लेकिन मेहनत के मुताबिक आमदनी ना मिलने के कारण उन्होंने बागवानी फसलों की तरफ रुख किया। विशेषज्ञों की सलाह मशवरा किया तो इससे कई फायदे पता लगे। फिर कुछ साल पहले पत्ता गोभी मिर्ची टमाटर के साथ मटर मूली की खेती शुरू कर दी। इन सब्जियों की फसलों में कम लागत में अच्छा मुनाफा मिलने लगा। अब लालू राम और नानू राम सालाना 4 लाख रुपए तक आमदनी ले रहे हैं। दोनों भाइयों ने अपने खेत में पहाड़ी रतालू टमाटर नींबू मिर्ची मटर जैसी कई सारी सब्जियां कर रखी हैं। दोनों भाई मौसम के अनुसार खेती करते हैं। उनका कहना है कि खेती करने के लिए वो ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं। ऑर्गेनिक खाद के लिए उन्होंने घर में पशुपालन कर रखे हैं जो कि दूध के साथ उनसे निकलने वाला गोबर से खाद बना देते हैं। बाद में वो खाद उनकी खेती में उपयोग में आ जाता है। उनके परिवार के 10 सदस्य मिलकर खेती बाड़ी का काम करते हैं। वही सब्जियां तैयार होने के बाद वो उसे बिछेवाड़ा के बाजार में बेच देते हैं। उनसे उनकी अच्छी खासी आय हो जाती है। पहले जब वो गेहूं धान मक्का जैसी खेती करते थे तब उनकी मेहनत के बराबर उनकी आय नहीं होती थी। जब से सब्जियों की खेती करना शुरू किया है तब से उनकी आय में भी बढ़ोतरी होने लगी है। मतलब गेहूँ और सरसों करते थे मगर उसमें फ़ायदा नहीं था तो अब ये वे सब्जियों की खेती करते हैं तो इसमें मुनाफा मिलता है तो इसके अनुसार खेती करते हैं। पहले गेहूँ और ये सब करते थे अब ये टेक्नोलॉजी वाली खेती करते हैं तो पैसा हमको अच्छा मिला। क्या मोबाइल वोबाइल से देखकर कुछ देखते हैं क्या आप मोबाइल वोबाइल में? हाँ वो भी देखते हैं।